हेलो दोस्तों, मैं नाजिम हुसैन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो पेंट 3D के ऊपर है। इसमें ये जो ऑप्शन है 2D शेप, तो मेरा आज का वीडियो पेंट 3D की 2D शेप के ऊपर है कि किस तरह से हम पेंट 3D में 2D शेप को यूज़ में लेंगे। ये इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल है 2D शेप का, तो आप इसको एंड तक वीडियो को देखिए। और इसमें कई एक्स्ट्रा फंक्शंस है, हम किस तरह से 2D शेप के ऊपर ब्रश का उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से हम 2D शेप को 3D शेप में बदल सकते हैं, और किस तरह से हम 2D शेप का स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। सबसे पहली चीज़, ये हमने पेंट 3D ओपन कर लिया। यहाँ से हम ये 2D शेप जो हम नॉर्मल MS पेंट में शेप क्रिएट करते हैं उस तरह से हैं, लेकिन हम इसमें कई सारे एडवांस फंक्शन हैं। सबसे पहले आपको ये राइट पैनल पे 2D शेप में लाइन एंड कर्व, तो इसमें आप 2 पॉइंट की लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, एक पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट के बीच में, यहाँ पर ये राइट पैनल के ऊपर ये इसका कलर, ये देखिए, और इसकी मोटाई, ये देखिए थिकनेस मोटाई, और इसी तरह से ये इसकी ट्रांसपेरेंसी। अभी हम ये स्टिकर इसका बनाते हैं तो इसकी ट्रांसपेरेंसी ये यहाँ पे नज़र आएगी, और इसमें जो कलर फिल हो रहा है उसका तरीका क्या है, मैटी है, ग्लोसी है, वो यहाँ पर है। तो अब मैं आपको बाकी और इसका 3D वगैरह ये कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊँगा। अब ये है 3-point curve लाइन, जब आप ये लाइन खींचते हैं तो इसके 3 पॉइंट को आप आपके अकॉर्डिंग कहीं भी मूवमेंट करवा सकते हैं। ये देखिए, आप आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल, मैं इसकी थिकनेस कम कर देता हूँ। ये देखिए, मैं इनको ये सिलेक्ट करके और मैंने इनको किया डिलीट। अब इसी तरह से 4-point curve लाइन है, और इसी तरह से 5-point curve लाइन, 5-point curve लाइन भी है। ये देखिए, हम पॉइंट के अकॉर्डिंग हम हमारे इन चीज़ों को बदल कर हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कैसे भी इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, अब आता है कि जो नॉर्मल शेप है वो, ये देखिए, ये है वो नॉर्मल शेप जो कि हम क्रिएट करते हैं। इनके बारे में एक्स्ट्रा फंक्शन अभी मैंने एक भी नहीं बताया है, ये वो सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आप जानते हैं, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है। अब ये देखिए, जैसे मैंने शेप क्रिएट की, यदि मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है तो यहाँ राइट पैनल से मैं सॉलिड लूँगा, ये देखिए कलर फिल कर दिया। ये लाइन नहीं करनी है तो ये नन कर दिया, और फिल करनी है तो ये सेम कलर ले लूँ या डिफरेंट कलर ले लूँ, ये देखिए। ओके दोस्तों, अब यदि मुझे इसकी ट्रांसपेरेंसी रखनी है तो ये देखिए। अब मैं आपको इस शेप को 3D में कन्वर्ट करके भी बताता हूँ। इसमें 3D में कन्वर्ट में क्या होगा, जब आप यहाँ पे मेक 3D करेंगे, अभी आप सिर्फ इसको सिर्फ 360 डिग्री पे ही रोटेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको मेक 3D कर देंगे तो आप इसको X, Y और Z तीनों एक्सेस पे मूव करवा सकते हैं। आप जब मेक 3D पे क्लिक करेंगे, आपके ये देखिए हैंडल्स चेंज हो गए हैं, और अब आप ये देखिए इसको आप इस तरह से भी मूव करवा सकते हैं। ओके, इसी तरह से आप इसको इस तरह से भी मूव करवा सकते हैं। 2D में ये पॉसिबल नहीं था, 2D में आप सिर्फ इसको 360 डिग्री पे ही रोटेट करवा सकते थे, इस तरह से नहीं करवा सकते थे। तो आप ये सारे काम 3D में कर सकते हैं, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का आप इस तरह से आराम से 2D शेप का 3D शेप बना सकते हैं। अब इसके आगे की चीज़ कि हम 2D शेप के ऊपर ब्रश का उपयोग कैसे करेंगे। जनरली हमने देखा कि हम ब्रश का उपयोग करते हैं तो हम 2D शेप के ऊपर कैसे करेंगे, तो ये देखिए, मैंने 2D शेप ली और मैंने ये स्टार क्रिएट किया। अभी इसकी ये लाइन की मोटाई मैंने ये थोड़ी मोटी कर दी। ओके, और मैंने इसको कर दिया अब ओके कर देता हूँ, मैंने इसको कर दिया ओके। अब मैं यदि ब्रश पे जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई ब्रश लेता हूँ और इसके ऊपर मैं कलर फिल करता हूँ, यानी कलर लगाता हूँ अलग तरीके से, तो आप देखेंगे यदि मैं बाहर पे ले जाऊँगा तो ये बाहर कलर कर रहा है। ओके, ये देखिए, यदि मैं यहाँ पे कलर करूँगा तो बाहर कलर कर रहा है, लेकिन मैं शेप के ऊपर जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो
तो अभी ये देखिए, अभी भी ये बाहर कलर जा रहा है। अब आप चाहते हो कि ये बाहर कलर नहीं जाए, सिर्फ अंदर ही रहे, तो इसके लिए आपको मैजिक सेलेक्ट करना होगा। मैजिक सेलेक्ट क्या होता है, आप सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करें, आपको जो शेप सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट करें और यहाँ मैजिक सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें और डन कर दें इसको। अब आपने डन कर दिया, अब आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ब्रश का इस्तेमाल किया, ये ब्रश लिया आपने, और अब आप ब्रश चलाएंगे तो ये इसके बाहर नहीं जाएगा। ये देखिए, ये इसके बाहर नहीं जाएगा। चाहे तो आप इसमें अलग अलग डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे लिया और ये देखिए, ये मैंने इसमें डिफरेंट कलर दे दिया। ये देखिए कितनी आसानी के साथ मैंने इतना बढ़िया एक ये शेप तैयार कर दी। ये देखिए, अब आप इस शेप को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट कर लिया, और आप इसको मेक 3D भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमने इसको मैजिक सिलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली 3D बन चुका है। तो अब आप इसको ये देखिए, ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप जो भी ब्रश का इस्तेमाल करें वो सिर्फ 2D शेप के अंदर ही हो, इसके लिए आपको क्या करना है, उसका मैजिक सेलेक्ट करना है। अब मान लीजिए आपको सिर्फ उसकी आउटलाइन में ही कलर देना है। मान लीजिए आपने ये कोई राउंड लिया, ये कोई स्टार लिया, अब मुझे सिर्फ इसकी आउटलाइन में ही कलर फिल करना है ब्रश वाला, तो मैं क्या करूँगा, इस सॉलिड फिल को कर दूँगा नन। और मान लीजिए ये मैंने इसकी आउटफिल की लाइन थोड़ी ये थिकनेस बढ़ा दी है इसकी, और अब मैंने कर दिया इसको बाहर क्लिक कर दिया। वापस से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको करूँगा मैजिक सेलेक्ट, ये देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, और मैं कर दूँगा इसको डन। मैंने डन किया, अब मैं यहाँ से ब्रश ले लूँगा। अब मुझे जो भी कलर मान लीजिए इसमें लेना है, डालना है, अब आप देखेंगे अब ये सिर्फ आउटलाइन में ही कलर आएगा। ये देखिए, ब्रश का इस्तेमाल सिर्फ अब आउटलाइन में ही होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा। ओके दोस्तों, दूसरी चीज़, अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम कोई भी 2D शेप बनाकर उसको 3D शेप के ऊपर कैसे लगा सकते हैं एज ए स्टिकर। तो हम, मैं आज आपको ये स्टिकर, पहले जैसे कि ये मेरी 2D शेप है कोई, मैं पहले स्टिकर बना लेता हूँ कोई। मैंने ये स्टार बना लिया, मान लीजिए मैंने 2D शेप का ये कोई स्टार क्रिएट कर लिया। ओके, मैं इसकी आउटलाइन ये थोड़ी कम कर देता हूँ और इसमें फिल कलर कर देता हूँ, ये देखिए। ओके, और अब मैं इसको ओके कर दिया, मैंने इसको कर दिया ओके। मैं इसको मैजिक सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट और डन। मैंने इसका मैजिक सेलेक्ट किया दोबारा से, ओहो ये देखिए, और मैंने कर दिया इसको डन। अब मैंने इसको ब्रश पे आऊँगा, ये देखिए मैंने ब्रश पे आया, और मैं इसमें कोई अलग अलग तरह के कलर और डिज़ाइन में डाल देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने कलर और अलग अलग तरह के डिज़ाइन डाल दिए। मैं आपको 3D शेप के ऊपर इसको लगाना बताऊँगा दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपके ये 3D पेंट का 2D शेप को हम कहाँ कहाँ कैसे यूज में ले सकते हैं वो चीज़। ये मैंने, अब मैं इसको स्टिकर बनाने के लिए मैंने इसको किया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मेक स्टिकर। जब मैंने मेक स्टिकर पे क्लिक किया, ओके दोस्तों, ये स्टिकर ओके कर दिया मैंने। ये देखिए, ओके करने के बाद ये मेरा स्टिकर यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, मैंने यहाँ से इसको ये डिलीट किया, मेरा स्टिकर इधर आ चुका है। अब मैंने कोई 3D शेप क्रिएट की, जैसे कि मैंने ये राउंड क्रिएट किया, गोला, ये एक 3D है, 3D ऑब्जेक्ट है। ओके, अब मैं इसको स्टिकर यूज़ में लूँगा, तो ये देखिए मैंने क्लिक किया और ये देखिए ये स्टिकर आ गया। मैंने स्टिकर को थोड़ा छोटा कर दिया, ओके, और मैंने यहाँ पे जो ये स्टाम्प है इस पर क्लिक किया और एक स्टिकर मैंने उठा के ये इधर लगा दिया। अब मैंने थोड़ा सा फिर एक और स्टिकर लिया, मैंने ये स्टाम्प पे क्लिक किया, एक स्टिकर यहाँ लगा दिया। अब मैं वापस से इसको गोले को मैंने घुमाया थोड़ा, फिर एक स्टिकर लिया और मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये स्टाम्प लिया और एक स्टिकर मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब फिर मैंने गोले को घुमा लिया थोड़ा सा,
ओके, एक स्टिकर मैंने यहाँ लगा दिया, ये स्टाम्प पे क्लिक किया और एक स्टिकर मैंने यहाँ लगा दिया और अब मैंने कर दिया ओके। अब आप देखेंगे, ये देखिए जो हमने स्टिकर लगाए थे वो सारे के सारे इस पर लग चुके हैं और 2D शेप को हमने स्टिकर बना के 3D ऑब्जेक्ट पे लगाया। मैं कोई और 3D ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इस पर ये लगा के आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने कोई 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने ये इसका कलर एडिट कलर कर देता हूँ, मैंने ये इसका कलर कर दिया ओके। अब मैं स्टिकर पे जाता हूँ और ये मैंने स्टिकर पे क्लिक करके, ये देखिए ये मैंने स्टिकर को थोड़ा छोटा कर दिया ओके। और मैंने स्टाम्प, ये देखिए स्टाम्प पे क्लिक किया, ये थोड़ा यहाँ पे, फिर स्टाम्प पे क्लिक किया, एक मैंने ये यहाँ पे डाल दिया और फिर वापस से मैंने इसको रोटेट कर दिया। ये देखिए मेरा एक स्टिकर यहाँ आ गया और ये स्टाम्प पे क्लिक किया और ये देखिए, और मैंने कर दिया इसको ओके। अब आप देखेंगे, ये देखिए किस तरह से हमने बहुत ही आसानी के साथ 2D शेप को 3D शेप के पर लगा दिया है स्टिकर बना के। तो दोस्तों इस तरह से हम पेंट 3D के अंदर 2D शेप का उपयोग कर सकते हैं और उस 2D शेप को 3D शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2D शेप को स्टिकर बनाकर हम 3D शेप के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप यदि कोई ये पॉइंट वाली कोई चीज़ लेते हैं, ये 3D पॉइंट या 4D पॉइंट, जैसे कि मैंने ये कोई लाइन ली, अब मैं इसका किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मैंने ये एक अजीबोगरीब कोई ऑब्जेक्ट मुझे तैयार करना है, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट को एंड पॉइंट से मिला दिया ओके, और ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया। ये देखिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया, ओके कर दिया। अब मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, ब्रश के अंदर जाऊँगा, यहाँ ये फिल कलर है, यहाँ फिल कलर पे क्लिक करूँगा और जो भी कलर मुझे फिल करना है, क्योंकि ये रेडीमेड शेप तो थी नहीं तो हमें ये बनानी पड़ी, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये वाइट पोर्शन पे भी क्लिक कर दिया। तो ये देखिए अब क्या बन गई है, 2D शेप बन गई। अब मैं इसको 3D शेप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं पहले इसको मैजिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मैजिक सेलेक्ट किया मैंने और मैंने किया डन, डन करते ही ये ऑटोमेटिकली 3D शेप के अंदर कन्वर्ट हो गई, ये देखिए। तो इस तरह से आप किसी भी तरह की 2D शेप बना के उसको 3D शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज में के वीडियो में मैंने आपको पेंट 3D की 2D शेप के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है, ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा। ओके, अल्लाह।